वी मेक दैट टू मास सिस्टम डायनेमिकली इक्वलेंट, ठीक है, और उसको डायनेमिकली इक्वलेंट जब बनाते हैं तो करेक्शन कपल का कंसेप्ट आता है, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दैट करेक्शन कपल देर इज वन टोर्क ऑन द क्रैंकशाफ्ट विच इज नोन एज करेक्शन टोर्क, और बिकॉज ऑफ दैट पॉइंट मास ऑन द क्रैंक पिन देर इज वन टोर्क ऑन द क्रैंकशाफ्ट. तो तीन पार्ट होते हैं, इन तीनों को साइमल्टेनियसली एक साथ मिला के जब भी कभी भी अगर हम टोटल निकालते हैं दैट इज क्रैंक टोर्क ऑन द क्रैंक, राइट, क्रैंकशाफ्ट, सॉरी. सो वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्रैंकशाफ्ट जस्ट वन मिनट, वो ये हैंग हो रहा कुछ है. ओके, सो हमने ये डिस्कस किया कि टी इज द फंक्शन ऑफ थीटा, बिकॉज टी का फॉर्मूला हमारे पास जो आता है फाइनल फॉर्मूला वो क्या होता है, एफ टेंजेंशियल मल्टीप्लाइड बाय आर, एंड द फॉर्मूला इज एफ आर साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा ओवर टू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर हियर एफ इज, ये जो F है वो क्या है यहां पे, पिस्टन एफर्ट. सो इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, आपको जब भी लगेगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस होता है उसमें क्या होता है, कौन रोड का जब भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो जो कनेक्टिंग रोड होता है उसके जो इफेक्ट आते हैं उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है. ये आपको चीज बुक में लिखी हुई मिलेगी. सो इनर्सिया ऑफ द कनेक्टिंग रोड इज नेग्लेक्टेड इन दिस फॉर्मूला, बट दैट ऑल्सो कैन बी इंक्लूडेड, बिकॉज हमें क्या करना है कि टोटल टी निकालना है, ठीक है, और उस टी में यहां पे दिस टी इज द टोर्क ऑन द क्रैंकशाफ्ट इज फंक्शन ऑफ थीटा. सो व्हाइल वी आर ड्रॉइंग दिस डायग्राम, टर्निंग मोमेंट डायग्राम, टी वर्सेस थीटा, दिस डायग्राम इज नोन एज टर्निंग मोमेंट डायग्राम, राइट. सो अब इसमें होता क्या है कि ये देखिए, जैसे यहां से आप स्टार्ट हुए, दिस इज द कोई एक स्ट्रोक है, ठीक है, और अब आपको कोई बोलता है कि दिस इज टी, इस जो एक्स एक्सिस होता है इस पे क्या होता है, जो क्रैंक होता है उसका थीटा हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द एक्स एक्सिस, theta is represented on the x axis and turning moment represented on the y axis, right. अब आपको कोई ये बोलता है कि जब p, suppose let's say this is 40 और कोई भी angle है, ठीक है, p से लेके q तक जब crank rotate हुई तो उसने हमारा जो engine है, ठीक है, उसने कितना हमें output दिया है, उसका work done क्या होगा, तो वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, because जैसे अगर simple force अगर आप लेते हो तो work done क्या होता है, force मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन. सिमिलरली व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्निंग और रोटरी मोशन, तो वहां वर्क डन क्या होता है, टी मल्टीप्लाइड बाई थीटा, टी इज टर्निंग फोर्स एंड थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्निंग मोशन. ओके, सो अगर आपको कोई बोलता है कि पी से क्यू तक जब क्रैंक रोटेट हुई तो कितना वर्क किया इंजन ने, so we can simply we can find out the area under this curve. तो अगर आपको कोई ये बोलता है तो आप जो ये इतना curve है, ठीक है, इसका आप area find out कर सकते हैं, and that area is the work done by engine, work done by engine while crank is turning from P to Q, right. अब आपको कोई बोलता है कि एक जैसे अगर if we are talking about the two stroke engine or sorry four stroke engine, राइट. सो फोर स्ट्रोक का एक जो साइकिल होता है, एक साइकिल में कितने स्ट्रोक होते हैं, फोर स्ट्रोक होते हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. वन सेक्शन, आफ्टर सेक्शन देर इज कंप्रेशन, आफ्टर कंप्रेशन देर इज अ पावर स्ट्रोक, एंड आफ्टर पावर स्ट्रोक देर इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक, राइट, एंड आफ्टर एग्जॉस्ट द सेम थिंग विल गेट रिपीटेड. ओके, सो देर इज वन साइकिल एंड विद इन वन साइकिल द क्रैंक विल रोटेट बाय टू रोटेशन. टू रोटेशन मीन्स फोर पाई एंगल, राइट. सो अगर मैं एक साइकिल की जब बात करता हूं तो विद इन वन साइकिल, जैसे यहां पे एक साइकिल अगर सपोज हम लेते हैं कि कंप्लीट होता है विद इन 360 डिग्री, राइट. सो दिस इज वन साइकिल, वी आर टॉकिंग अबाउट
टर्निंग मोमेंट फॉर सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन, राइट। सो इसमें जो वर्क डन होगा विद इन वन साइकिल, तो वर्क डन क्या होगा, ये जितना भी आपके पास एरिया होगा इसका, इस ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ दिस कर्व विद अंडर द एरिया अंडर द कर्व, राइट। सो वी कैन फाइंड आउट द एरिया, ओके, सो दैट एरिया इज वर्क डन विद इन वन साइकिल। नाउ यू कैन फाइंड आउट द एवरेज मीन वैल्यू ऑफ दिस टॉर्क। सो टी मीन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाई द एंगल टर्नड बाई इंजन विद इन दैट वन पर्टिकुलर साइकिल, राइट। सो आप जब भी अगर निकालोगे तो इसका कंप्लीट एरिया निकाल लीजिए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 360 डिग्री और दिस एंगल, सो दैट इज टी मीन। टी मीन की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है कि एक साइकिल में जितना एरिया आ रहा है, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई दैट पर्टिकुलर एंगल, सो दिस इज टी मीन। अब टी मीन का मतलब क्या होता है कि मैं आपको मे बी ये चीजें बुक में नहीं मिलेगी जो अभी बता रहा हूं, ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए, टी मीन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टी मीन क्या होता है कि आवाज आ रही है ना मेरी, सब आप सब लोगों को, ठीक है, अर्शवीर जो भी अनम्यूट है वो कंफर्म कर सकते हैं कि मैं सुन रहा हूं आप लोगों को, राइट, ताकि मुझे पता लग जाए कि जो बोल रहा हूं वो आप तक पहुंच रही है चीज। यस सर, आ रही है आवाज, राइट। सो टी मीन, टी मीन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, और टी मीन का मतलब क्या, टी मीन निकालना कैसे है, यू कैन फाइंड आउट द एरिया विद इन वन साइकिल, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व और डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना एंगल क्रैंक टर्न करेगी क्रैंक शाफ्ट, उससे आप डिवाइड कर दी, टी मीन आपके पास आ जाएगा। अब इस टी मीन का मतलब क्या है, ठीक है, लाइक हमारे पास कोई इंजन है, ठीक है, आपने उस पर लोड लगा रखा है, लाइक कोई भी पंप आपने लगा दिया, यू आर रनिंग दैट पंप विद द हेल्प ऑफ इंजन और बाय मीन्स ऑफ इंजन। सो जो पंप जितना टॉर्क चाहिए पंप को रन करने के लिए कंटिन्यूअसली, ठीक है, जो लोड आपने लगा रखा है, अब उस लोड से अगर जो लोड है पर्टिकुलर, उस लोड से इंजन अगर कम पावर प्रोड्यूस करता है, उतना टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो इंजन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि वो चला ही नहीं पाएगा, ठीक है। सो दिस टी मीन ऑलवेज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है, आपने इतना तो इंजन जो पावर वो प्रोड्यूस कर रहा है, टी मीन कंटिन्यूअसली उतना चाहिए। अब यहां पे देखिए इसमें कि अगर सपोज फ्रॉम 0 to 180 अगर हम बात करते हैं, 0 to 180, ठीक है, अब 0 to 180 में इंजन ने जो पावर प्रोड्यूस करी वो क्या है, यहां पे दिस इज द एरिया, और आप ये कहो कि दिस इज द पावर प्रोड्यूस्ड बाई इंजन विद while crank turned by 180 degree, ठीक है। अब यहां पे जो रेजिस्टेंस, उसको जो आपके पास जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसने जो पावर कंज्यूम करी यहां पे वो कितनी होगी, इसके अंडर जितना भी टी मीन के अंडर जो एरिया आ रहा है, ठीक है, दिस इज द पावर कंज्यूम्ड बाय that particular, this area of this block is power consumed by that particular resistance or load, ठीक है। So अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ इंजन इतनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, अगर मैं यहाँ से सिर्फ पी तक की बात करूं तो पावर प्रोड्यूस बाई इंजन इज दिस एरिया, ये जो ट्राइंगल से यहाँ कुछ दिख रहा है, ठीक है, सो दिस इज द पावर प्रोड्यूस बाई इंजन, एंड दिस टोटल पावर अगर मैं इसकी बात करता हूं कि दिस इज द पावर कंज्यूम्ड बाई दैट रेजिस्टेंस, दिस इज द पावर कंज्यूम्ड बाई दैट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तो ये वाली जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो आपके पास ये बच गया, ये जो ये सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, दिस इज द एक्स्ट्रा पावर विच इज रिक्वायर्ड बाई रेजिस्टेंस बट आवर इंजन इज नॉट गिविंग अस, ठीक है, इंजन से नहीं मिल रही है, तो वो पावर कहां से आती है, उस टाइम जो फ्लाई व्हील होता है वो पावर क्या करता है, डिलीवर करता है, ठीक है, दिस इज द पावर डिलीवर्ड बाई फ्लाई व्हील ड्यूरिंग दिस रोटेशन ऑफ क्रैंक, ठीक है, इतना जो करें तो फ्लाई व्हील कितना पावर आप इन रेजिस्टेंस को दे रही है, ये वाला, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो टोटल पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है, ये यहाँ पे रेक्टेंगल है पूरा, ठीक है, और इंजन कितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो नीचे वाला जो ट्राइंगल यहाँ पे जो मैं अभी एच कर रहा हूं, ठीक है, दिस इज द पावर कंज्यूम्ड बाई पावर प्रोड्यूस बाई इंजन, टोटल पावर इज कंज्यूम्ड बाई दैट रेजिस्टेंस,
एंड दिस इज द पावर बिकॉज इंजन इतनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है तो दिस इज द पावर गिवन बाय द फ्लाई व्हील ड्यूरिंग दिस रोटेशन ऑफ इंजन. ये समझ में आया आपको ये कंसेप्ट? ओके, सो सिमिलरली आप अब यहां पे क्या है आप, यस जस्ट वन मिनट, यस सुप्रीत एंड वेबो यू कैन आस्क. सर वो एक बार ये एरिया एरिया अंडर द कर्व जो है ना, ये वाला पर्पल जो आपने बना रखा है, एक बार दोबारा बता दो प्लीज. ओके वेबो, ओके सो इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे क्या हो रहा है कि एरिया अंडर द कर्व इज वर्क डन बाय इंजन, राइट? ये सबको पता है, ये हम समझ में आ गया कि ए जस्ट टी मल्टीप्लाइड बाय थीटा, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व वर्क डन बाय द इंजन, ठीक है. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, जब जीरो से लेके पी तक क्रैंक टर्न हुई, ठीक है, तो उसमें क्या हो गई जी, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, राइट? सो दिस इज द पावर प्रोड्यूस्ड बाय इंजन, ठीक है. नाउ टी मीन इज रेजिस्टेंस, राइट? और वो हमने निकाल लिया कि कितना आ रहा है. सो टी मीन के जो अंडर जो एरिया होगा, दिस इज द पावर कंज्यूम्ड बाई दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस. जो ये मैं ब्लॉक अब जो बना रहा हूं, ठीक है, राइट नाउ दिस ब्लॉक एरिया ऑफ दिस ब्लॉक इज इक्वल टू द पावर कंज्यूम्ड बाई रेजिस्टेंस, ठीक है. तो अब इसको हमें लग रहा है कि रेजिस्टेंस ऑब्वियसली विच इज कंज्यूमिंग मोर पावर देन द प्रोड्यूस्ड पावर, राइट? अब जो एक्स्ट्रा पावर आएगी वो कहां से? यस सर, टी मीन को आप रेजिस्टेंस कैसे कह रहे हो, ये चीज नहीं समझ में आई. टी मीन क्या होता है कि अब अगर आपने इंजन आपने कंटिन्यूअसली खाली चला रहे हो, ठीक है, तो आप टॉर्क कैसे ले रहे हो उससे? नहीं ले रहे ना, ठीक है. इंजन का काम क्या होता है कि जो आप रेजिस्टेंस जब लगा रखा है उस पे, तो वो कंटिन्यूअसली उतनी पावर प्रोड्यूस करता रहे, ठीक है. भाई वो टॉर्क दे रहा है तो टॉर्क ले रहे हो ना कहीं पे, आप टॉर्क उसको ले रहे हो, उससे आउटपुट ले रहे हो, तो ही तो टॉर्क आपके पास आ रहा है कहीं से, ठीक है. ठीक है, दिस इज द टी मीन. यहाँ पे क्या है कि हमें वो कंटिन्यूअसली मीन, जो एक बार वो ज्यादा टॉर्क देता है, कभी कम देता है, कभी ज्यादा देता है, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, फ्लाई व्हील टाइप कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा जब एरिया यहाँ पे आएगा इस में, ठीक है, अब पावर कंज्यूम ज्यादा और ये प्रोड्यूस हो नहीं रही वहां पे, तो क्या हो, इंजन बंद हो जाना चाहिए, यस और नो, ठीक है. तो ये जो एक्स्ट्रा पावर यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है, this extra power comes from the flywheel, ठीक है, this power comes from the flywheel. अब यहां पे तीन चीजें, ये जो ब्लॉक हुआ है उसमें तीन चीजें, एक पावर प्रोड्यूस बाय इंजन एरिया अंडर द कर्व, एक टी मीन पे जो पावर कंज्यूम हो रही है कंटिन्यूसली, तो टी मीन के जो अंडर एरिया है वो, ठीक है. अब उसमें कौन सा एरिया ज्यादा है, अगर पावर प्रोड्यूस हो रही है वो ज्यादा है तो फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोर कर लेगा, ठीक है, अगर पावर कंज्यूम हो रही है वो ज्यादा है प्रोड्यूस्ड पावर से, तो फ्लाई व्हील एनर्जी डिलीवर कर देगा टू द इंजन. समझ में आई ये चीज आप लोगों को? हाँ बोलिए मनोज. सर इसमें बेसिकली हम लोग आउटपुट को कांस्टेंट रखकर इनपुट में वेरिएशन देख रहे हैं कि मतलब कब हमें एनर्जी लेनी है, कब हमें एनर्जी मिल रही है इंजन, और आउटपुट कांस्टेंट रखा है हमारा. आउटपुट, यस आउटपुट कांस्टेंट कह सकते हो, जो हमें कंज्यूम कर रहे हैं उस इंजन से, जो एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है, विच इज वो भी टी मीन इसलिए रहे हैं क्योंकि वो भी फ्लक्चुएट होती रहती है एनर्जी, ठीक है, कभी ज्यादा हो गया. जैसे अगर आप जेन सेट की बात करते हो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, जनरेटर आपने लगाया हुआ है, एक एसी फालतू आपने ऑन कर दिया, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा वहां पे, कभी फ्लक्चुएट हो जाता है, कभी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आप देखते हो तो कितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है, कितनी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, उसका जो बैलेंस होता है, स्टोर कभी स्टोर हो जाती है, कभी कहीं से लेनी पड़ती है एनर्जी, वो सारा काम कहां से होता है, इनर्सिया से होता है, और इनर्सिया कहां से होता है, फ्लाई व्हील से, राइट? ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टर्निंग मोमेंट डायग्राम, इसको हम बोलते हैं.
अब इस पे बेस्ड हम इस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कहते हैं फ्लाई व्हील डिजाइन करने के ही न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है भाई। फ्लाई व्हील का मास कितना होना चाहिए, उसका रेडियस कितनी होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, हम डिजाइन करते हैं इसके बेस पे फ्लाई व्हील, राइट। क्योंकि हमें फ्लाई व्हील को इस तरह से डिजाइन करना पड़ता है कि इतनी एनर्जी वो दे पाए। अगर फ्लाई व्हील इतना हैवी है, उसका इनर्शिया इतना नहीं है कि वो इतनी एनर्जी नहीं दे पाएगी, तो इंजन क्या दे, वहां पे स्टॉप हो जाए। ये अगर कहां से कितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है, अब सपोज आप यहां से आपको कोई बोलता है कि क्यू से लेके 180 तक, ठीक है, यहां पे मुझे बताइए कि इंजन ने कितनी पावर प्रोड्यूस करी। तो इंजन पावर प्रोड्यूस्ड बाय इंजन इज एरिया अंडर दिस कर्व, दिस इज द पावर प्रोड्यूस्ड। अगेन पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस, और पावर जो आपको आउटपुट चाहिए वो कितना चाहिए, कंप्लीट चाहिए, दिस इज द रिक्वायर्ड आउटपुट। तो ये जो एक्स्ट्रा यहां पे है, दिस एक्स्ट्रा कम्स फ्रॉम सम सोर्स, ठीक है, सो एंड दैट सोर्स इज फ्लाई व्हील, राइट, ओके। अब ये जो डायग्राम है यहां पे, ये हमने डिस्कस किया था कि दिस इज द सक्शन स्ट्रोक, सो ड्यूरिंग सक्शन वी हैव टू गिव सम पावर, ठीक है, हमें उसको देनी पड़ती है। ड्यूरिंग कंप्रेशन आल्सो वी हैव टू गिव सम पावर, एंड ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक दिस इज द पावर आउटपुट गिवन बाय इंजन, ठीक है, एंड अगेन ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट वी हैव टू गिव सम पावर टू द इंजन, एंड दैट पावर इन तीन साइकिल में एग्जॉस्ट कंप्रेशन एंड ड्यूरिंग सक्शन द पावर डिलीवर्ड बाय द फ्लाई व्हील टू इंजन, ठीक है। और ये जो अब यहां पे जो बच गया, ये जो एक्स्ट्रा, ये जो लूप है ऊपर, दिस लूप, दिस इज द एक्स्ट्रा पावर ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक, ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा पावर प्रोड्यूस्ड बाय इंजन ड्यूरिंग वर्किंग स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक, राइट। सो ये जब एक्स्ट्रा होगी तो फ्लाई व्हील क्या करेगी, ये जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द